हेलो एवरीवन, अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, अगर आपके बाल शाइनी नहीं रहे हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं और अगर आपके बाल इतने लंबे हो गए हैं जितने कि मेरे, तो आपको क्या करना चाहिए। सो गाइस, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बाल में इतने सारे प्रॉब्लम जो मैंने पहले बताए वो सब हो रहे हैं तो आपको करना चाहिए क्या, और एक प्रोडक्ट रिव्यू। तो स्टे ट्यून। आपको क्या करना है, आपको यूज करना है एक हेयर सीरम। हेयर सीरम आपको बालों को स्मूथ बनाता है, फ्रिज फ्री बनाता है और शाइन लाता है। अगर आपके बाल बहुत लंबे हो गए हैं तो आपको हेयर सीरम यूज करना है। बट हेयर सीरम कब यूज करें? हेयर सीरम आपको यूज करना है कभी भी दिन में, आप नहाने के बाद, जब आपका बाल थोड़ा सा डैम्प रहे, ज्यादा वेट ना रहे, बालों को टॉवल ड्राई करने के बाद आप एक हेयर सीरम थोड़ा सा यूज करना है। लेकिन अगर आप नहाने के बाद भूल गए यूज़ करना, आपके बाल फिर से ड्राई हो गए हैं, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बाल सूख गए हैं, लेकिन अभी भी मैं हेयर सीरम लगा सकता हूँ। दिन में आप कितनी भी बार हेयर सीरम लगा सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आपका बाल ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। सो गाइज, मैं जो हेयर सीरम यूज़ करता हूँ वो है ये वाला। ये है मैट्रिक्स का बायोलेज हेयर सीरम विथ एवोकाडो। एवोकाडो आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। ये 6-in-1 हेयर सीरम है। फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है कंट्रोल्स फ्रिज। सेकंड जो बेनिफिट है वो है स्मूदेंस रफ एंड्स। थर्ड है प्रोटेक्ट्स हेयर फ्रॉम ह्यूमिडिटी। फोर्थ है एड्स इंस्टेंट शाइन। फिफ्थ है नरिशेस ड्राई हेयर। सिक्स है इंस्टेंट डिटैंगल्स इन्फ्यूज्ड विथ एवोकाडो एंड ग्रेप सीड ऑयल्स। तो भाई साहब, इसमें सारी चीज़ें हैं और सीरियसली ये बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये 200 ml का बॉटल आपको आता है 295 rupees में nykaa.com। सो गाइस, इसको यूज़ कैसे करें? यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको लेना है, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा। लड़कों को बहुत ही थोड़ा लेना पड़ता है, बिकॉज हमारे बाल इतने लंबे तो हैं नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा सीरम। उससे क्या होता है ना, बाल बहुत ज़्यादा ग्रीजी दिखने लगता है, फिर वो शाइन ना गलत ही चला जाता है, फिर वो ग्रीजी चला जाता है, ऑयली लगना शुरू कर देता है। बट अगर आप सीरम को थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कैसे यूज़ करना है। दो ड्रॉप्स भी नहीं, एक ड्रॉप से थोड़ा ज़्यादा लेने के बाद आपको इसको ऐसे अपने हाथों में रब करना है और आपके बालों पे ऐसे करके पूरे बालों में आपको लगा लेना है। ऐसे करके आपको पूरे बालों को में लगा लेना है। अगर आप कोई हेयर स्टाइल करना चाहते हैं तो बहुत देर तक एक ही डायरेक्शन में करते रहिए, एक हेयर स्टाइल भी बन जाएगा। सो गाइस, बहुत इजी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और अपने बालों को बहुत स्मूथ करने वाला है। सो गाइस, अगर आप हेयर सीरम नहीं यूज़ करते हैं तो स्टार्ट यूजिंग अ हेयर सीरम। सो गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई क्वेरी है रिगार्डिंग हेयर सीरम, रिगार्डिंग दिस क्रीम, सो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो मेरे सारे वीडियोज़ देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं उनके लिंक्स दे दूँगा। प्लीज़ फॉलो देम एंड स्टे सेफ एट दिस टाइम। थैंक यू सो मच।